तो नमस्ते देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीखने जाने वाले हैं इलास्टिक सर्च। तो भैया शुरू कर दे, व्हाट इज इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स सर्च एंड एनालिटिक्स इंजन बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अपाची लूसिन। तो अपाची लूसिन एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो मेरे हिसाब से। इसके ऊपर इलास्टिक सर्च बना हुआ है, इसके ऊपर सोलार फ्यूजन, ये सब सर्च इंजन बने हुए हैं। तो इलास्टिक सर्च इज अ पार्ट ऑफ इलास्टिक स्टैक। तो आप लोग एक सोच रहे हो कि इलास्टिक स्टैक क्या है। ये मोटा मोटा ट्रेंडिंग शब्द है जो कि इट्स मेड अप ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, जैसे कि इलास्टिक सर्च, कबाना, लॉक स्टैश, विच मेक्स इट एज ईएल के स्टैक। इसमें और दो कंपोनेंट्स भी आएंगे जो मैं बताऊंगा आपको। तो इलास्टिक सर्च इज अ फुल टेक्स्ट सर्च इंजन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलास्टिक सर्च, तो आप ये बोल देना कि ये सर्च इंजन है जो कि फुल टेक्स्ट सर्च में यूज होता है। जैसे मान लो आपका एक डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, तो यू कैन सर्च फॉर होल टेक्स्ट, और अगर एक वर्ड उसमें से आप सर्च करोगे तो भी आपको रिजल्ट्स लाके देगा। यही खूबसूरती है इलास्टिक सर्च और सर्च इंजन्स की, सोलार वगैरह। फुल टेक्स्ट जेसॉन को भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, सैंपल जेसॉन डॉक्यूमेंट। तो इलास्टिक सर्च में डेटा, डेटा मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब एक रो एसक्यूएल में, जैसे एक रिकॉर्ड होता है ना एसक्यूएल में, उसको ही डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो इधर देख लेते हैं हम, फुल टेक्स्ट सर्च मतलब अगर तुम क्वेरी में लिखोगे आंसर इज इक्वल्स टू ह्यूस्टन रॉकेट, तो फिर ये इस डॉक्यूमेंट को उठा के तुमको देगा एज अ रिजल्ट्स यहाँ तक। लेकिन अगर तुम सिर्फ एनबीएबी डालोगे तो भी ये फुल डॉक्यूमेंट वो सर्च करके तुमको देगा। इसको बोलते हैं फुल टेक्स्ट सर्च। तो ये सीधा सीधा ओपन सोर्स है, और इसका डेवलप बाय इलास्टिक, इलास्टिक ये कंपनी है जो जो इसने डेवलप किया। सो विल मूव ऑन टू इलास्टिक स्टैक। अब ये इलास्टिक स्टैक में क्या क्या आएगा, ई फॉर इलास्टिक सर्च, एल फॉर लॉक स्टैश, और के फॉर किबाना, यही फॉर्म करता है इलास्टिक स्टैक। तो और दो कंपोनेंट्स जो मैंने बोले थे वो थे एंड एक्सपैक। ठीक है, तो फिर ये सब बनाते हैं इलास्टिक स्टैक। तो चलिए इलास्टिक सर्च का तो हमने देख लिया, तो देखते हैं व्हाट इज किबाना। तो किबाना क्या है, किबाना एक डैशबोर्ड है टू एनालाइज द डेटा प्रेजेंट इन इलास्टिक सर्च। तो मान लो आपका एक टेबल है, टेबल मतलब इन इलास्टिक सर्च उसको इंडेक्स बोलते हैं। उस इंडेक्स को एनालाइज करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाएंगे। उस डैशबोर्ड और अगर आपको चार्ट्स चाहिए, पाई चार्ट्स वगैरह, बार चार्ट्स, तो वो कैसे हेल्प करता है, उसमें हेल्प करेगा किबाना। किबाना से आप क्वेरी भी कर सकते हो डेटा। कर सकते हो ऐड, कर सकते हो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। बाद में लॉक स्टैश। लॉक स्टैश क्या है, लॉक स्टैश क्या है, लॉक स्टैश हेल्प्स टू प्रोसेस लॉक्स एंड सेंड्स टू इलास्टिक सर्च।
तो मान लो अगर आपका एक एप्लीकेशन है, जावा एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन जो लॉक्स प्रिंट करता है, और उस लॉक्स को आप एनालाइज करना चाहते हो, तो वो लॉक्स आप इलास्टिक सर्च में भेज के एनालाइज कर सकते हो थ्रू कबाना और एनी अदर टूल। बट वो लॉक्स सेंड करने के लिए लॉक्सटैश एक एज अ प्लगइन काम करेगा, विच विल सेंड लॉक्स टू इलास्टिक सर्च। यहाँ बोल रखा है ये भी ओपन सोर्स, ये भी बंदा ओपन सोर्स है। लॉक्सटैश इज एन ओपन सोर्स डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन टूल विच इज अ पार्ट ऑफ इलास्टिक सर्च। तो मान लो अगर लॉक्सटैश हैज इवॉल्व लाइक इन बहुत इवॉल्व हो चुका है, तो मान लो अगर एक स्ट्रीम्स ऑफ एप्लीकेशन है जहां पर लॉक्स तैयार हो रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा फिर लॉक्सटैश। ये लॉक्सटैश ये भेजेगा लॉक्स किसी भी एप्लीकेशंस को, ये क्या होगा स्ट्रीम। ये हो गए लॉक्स, ये हो गया हमारा लॉक्स टैश का प्लगइन, और ये हो गया हमारा इलास्टिक सर्च। इलास्टिक सर्च, लेकिन अभी ये लॉक स्टैश सिर्फ इलास्टिक सर्च के लिए सीमित नहीं रहा। यू कैन ऑल्सो इंडेक्स लॉक्स इन सोलार सोलार काफका एक्सेट्रा। तो डॉक्यूमेंट्स में आप जाके देख सकते हो ये कहाँ कहाँ पर लॉक्स भेज सकता है। तो हाँ, लॉक स्टैश का यही सीन है। एक्स पैक के बारे में, सिक्स पैक्स जैसा लगता है इसका नाम, और काम भी इसकी तरह ही करता है। एक पैक कम है सिर्फ अभी इसमें, और एक पैक ऐड भी कर सकते हैं अपन। ये एसक्यूएल SQL क्वेरी ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। ओके तो एक्सपेक्ट क्या करता है, सिक्योरिटी एनहांसिंग सिक्योरिटी ऑफ इलास्टिक सर्च बाय प्रोवाइडिंग फीचर्स सच एज ऑथेंटिकेशन में यूज होता है। मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ योर इलास्टिक सर्च, जो आपने इलास्टिक सर्च क्लस्टर सेटअप किया है उसको मॉनिटर, उसका परफॉर्मेंस एंड हेल्थ मॉनिटर करने में एक्सपेक्ट हेल्प करेगा। अलर्टिंग में हेल्प करेगा। मशीन लर्निंग, बढ़िया भाई, मशीन लर्निंग तो अभी ट्रेंडिंग में है, तो इसके बारे में अगर आप मशीन लर्निंग में वगैरह इंटरेस्टेड हो तो एक्सपेक्ट के बारे में ज़रूर देख लेना। रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग द कैपेबिलिटीज शेड्यूलिंग रिपोर्ट्स, मतलब वो रिपोर्ट्स जो डेटा इलास्टिक सर्च में आ रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट जनरेशन वगैरह में हेल्प करेगा। और एक चीज़ है कि एसक्यूएल क्वेरी ट्रांसलेशन, मतलब जो क्वेरीज एसक्यूएल में आप रन करते हो टू फेच द डेटा फ्रॉम द टेबल्स, और जो तुम्हारा डेटाबेस रहता है ना, वो एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पर चला के एक्सपेक्ट क्या करेगा, वो इलास्टिक सर्च क्वेरीज में ट्रांसलेट करके आपको रिजल्ट्स देगा। तो उसमें भी हेल्प करेगा ये बंदा, सही है। बीट्स बीट्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर सिंगल पर्पस डेटा शिपर्स। तो अगर कोई भी पूछे बीट्स क्या है, तो आप हार्ट बीट मत बोल देना अपने बंदी का नाम। ये बीट्स मतलब ये डेटा शिपर्स है जो क्या करेगा, डेटा फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स एक ही बार में लॉक्सटैश नहीं तो इलास्टिक सर्च को भेजेगा। तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीट्स। अगर आप यहाँ पर जाओगे इलास्टिक सर्च स्लैश बीट्स, ये बोलेगा आपको इंट्रोडक्शन देगा। बाद में ये देखो फाइल बीट, मेट्रिक बीट, पैक बीट,
हार्ट बीट, ऑडी बीट, ऑडिट बीट, सॉरी ऑडी ऑडी। वैसे तो ऑडी कार अच्छी लगती है मेरे को। ठीक है, तो ये देर आर दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीट। एक लॉक स्टैक जैसा ही है जो डेटा इंडेक्सिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस इतना ही। कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, तो इलास्टिक सर्च भाई लोग और देवी और सज्जनों, इलास्टिक सर्च आपका सेंटर ऑफ हाउस है, मतलब हार्ट ऑफ द हाउस। और इसके बाजू में जहाँ पर एक्चुअल में डेटा स्टोर होगा, जो अपना सर्च इंजन है, वो इलास्टिक सर्च रहेगा। और लॉग स्टैश और बीट्स, लॉग स्टैश और बीट्स क्या करेंगे, ये डेटा ये इंट्रैक्ट करेंगे इलास्टिक सर्च के साथ। ये इलास्टिक सर्च के साथ इंट्रैक्ट करेंगे, डेटा इंजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब और सोर्सेस से डेटा उठा के इलास्टिक सर्च में डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा किबाना। और एक क्या रह गया भाई, किबाना, बीट्स, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट बच गया। किबाना इज अ टू वे, ये एज अ डैशबोर्ड सर्व करेगा, जहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो डेटा जो इलास्टिक सर्च में है, वहाँ पर डेटा डाल सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो, पाई चार्ट्स बना सकते हो। तो फिर ये क्या करेगा, डेटा रीडिंग में भी हेल्प करेगा और डेटा राइटिंग में भी हेल्प करेगा। तो इसमें डाल सकते हैं अपन टू वे, यहाँ पे टू वे, यस ये टू वे रहेगा। एक्सपेक्ट क्या करेगा, ये इंट्रैक्शन करेगा इलास्टिक सर्च के साथ डेटा डेटा एनहांसमेंट के लिए, सॉरी डेटा प्रोटेक्शन, जैसे कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में हेल्प करेगा, और बाकी फीचर्स। तो सेंटर ऑफ ईएलके स्टैक इज इलास्टिक सर्च, जहाँ पे एक्चुअल इंडेक्स रहेगा। और ये सब जो प्लगइन्स है, ये सब इसमें एज एन एडिशनल फीचर्स ऐड करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ इलास्टिक सर्च के बना, और अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।